नीतू चौहान इस समय हम मौजूद हुए हैं सेक्टर 17 में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और लगातार जो है बरसात का मौसम हो रहा है, और बरसात के चलते लाजमी है कि कहीं भी जो है हमारे आसपास पानी भरने की समस्या जो है वो आम लोगों को बड़ी परेशानी देती है। और इसी परेशानी का निवारण करने के लिए कुरुक्षेत्र नगर परिषद द्वारा सभी सीवरेजों को, सभी नालों को साफ सफाई करने के लिए एक अभियान जो है वो चलाया हुआ, क्योंकि लगातार जैसे ही अभी बरसात का मौसम आने वाला है, क्योंकि मौसम जो है वो बदलने वाला, अपना रुख बदलने वाला है, और रुख बदलते ही जो है बरसाती पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठे हुए पानी को लेकर नगर परिषद इस समय क्या कुछ कार्यवाही कर रही है, क्योंकि नालों की सफाई जो है हमारी जनता जो चाहती है, क्योंकि पानी इकट्ठा ना हो, किसी तरह की आने जाने में परेशानी ना हो। तो फिलहाल मैं आपको पीछे तस्वीरें आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि नगर परिषद द्वारा सभी वर्कर्स यहाँ पे काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कि यहाँ पे सीवरेज का होल आप सभी को हम दिखा रहे हैं कि सीवरेज का होल खोल के यहाँ से पानी निकासी का कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदगी के अंदर, इतने धूप के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आम जनता परेशान ना हो, तो इसलिए ये हमेशा जनता की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से पानी की निकासी के लिए, क्योंकि आप सभी को बता दें कि जब सुबह कुरुक्षेत्र में ज़ोरदार बारिश के बाद यहाँ सेक्टर 17 के अंदर जल भराव हो चुका था, और सेक्टर 17 ही नहीं कुरुक्षेत्र के तमाम सेक्टरों के अंदर भी जो है जल भराव हो चुका था। और आपको बता दें कि ये नगर परिषद की जो टीम आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो निकासी का काम यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको हम अभी ठेकेदार से भी मिलाएंगे। तो ठेकेदार राजेश जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनके वर्कर किस तरह से यहाँ पे मेहनत और लगन से कार्य करते नज़र आ रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि अब तक उन्होंने कुरुक्षेत्र के कितने सेक्टरों की साफ सफाई की है। नमस्कार सर। जी सर, क्या बताएंगे, सुबह से जो है बरसात चल रही है, अभी तो खैर धूप निकल चुकी है, लेकिन जल भराव जो है वो सभी सेक्टरों के अंदर हो रहा है, तो क्या कुछ बताएंगे सर? हमने ये जहाँ जहाँ पे सेक्टर में पानी खड़ा है, हमारी मशीनें खड़ी हैं, उसी टाइम हमने अपनी मशीनें और लेबर लगा दी थी, सारी स्टार्ट कर दी जी। वहाँ पे अब कहीं भी पानी नहीं है, और चौतंग नाले पे हमारा काम चल रहा है, जैसी मशीन है, ट्रैक्टर है, कीर्ति नगर चल रहा है जी, वो भी जैसी बारिश हुई तो कोई नहीं रुका वर्कर, ना कोई मशीन रुकी। तो हमारे पास कॉल आई कि क्रिस्टल मॉल के सामने पानी भर चुका है जी, हम उसी टाइम बरसात में आप लोगों से ही पता कर सकते हैं, उसी टाइम आगे अब देखो यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा निकाल दे, और आपके सामने देखो साथ ही निकालो मलबा में साथ ही उठा रहे हैं जी। सर आप हमें बताना चाहोगे, क्योंकि हमारी जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि जल भराव की समस्या खासकर जो है मौसम के अकॉर्डिंग बनती है, तो जैसे ही जल भराव होता है तो आपकी टीम कितने समय में जो है वो काम करने के लिए निपुण है सर? मैम अगर थोड़ी हल्की बरसात हो तो उसी टाइम आ जाती है, अगर जा तो होगी थोड़ा देखो बरसात में जी, पर 10-20 मिनट के अंदर तो आ ही जाती है जी। तो सर अब तक कितने सेक्टरों की साफ सफाई कर चुके हैं नालों की? हमने जो टोटल सेक्टर है, सेक्टर 7, 13, 4, 5, 2, 3 उनमें हमारी टीमें लगी हुई हैं, और मैक्सिमम हमने उधर काम कर लिया है जी, और चौतंग नाले पे भी चल रहा है जी, वो भी हमने काफी कर लिया है। तो सर जैसे अभी जल भराव की समस्या हो रही, जगह जगह पानी भर रहा है, आप लोग इतने सेक्टरों में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी निकासी का काम जो चल रहा है सरकार द्वारा भी इस चीज को लेके अग्रसर हो रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज की अपील करना चाहती हूँ, जैसे हमारी जनता है आसपास पानी भरता है, तो अपने आसपास का पानी निकलवाने के लिए लोग आप सभी से संपर्क कैसे कर सकते हैं? वैसे तो हम मैम सेक्टरों में भी और शहर में भी एक टाइम एक्टिव हैं, हमारे MC साहब भी हैं और हमारे MB साहब भी हैं, और कॉन्ट्रेक्टर के पास भी हमारे जो फ़ोन आ जाते हैं, जब हमारे को बता देते हैं, क्यों एक टाइम जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अब पिछली गली में भी हमें पता नहीं है क्या क्या नहीं, तो जैसे कॉल आते हैं उसी टाइम चले जाते हैं। तो आज का वैसे तो हम रेगुलरली जो नाले हमने पकड़ रखे हैं वो करते कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, पर अगर कहीं ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो वहाँ से फिर हम वो पहले कर देते हैं। तो अभी आज की बार बरसात की अगर बात करें तो जगह जगह जल भराव भरा है, तो अब तक कहाँ कहाँ आप लोग घूम चुके हो मैम? सारे सेक्टर हैं उधर, तो और यो नाला और ये है और झांसा रोड सर, कहीं मतलब कि ऐसे सेक्टर भी आप लोगों को दिखा जहाँ पे ज्यादा जल भराव होता हो, जहाँ सरकार की नजर ना जा रही हो? नजर तो मैम सब जगह ही है, सेक्टर 13 में हनुमान मंदिर है, वहाँ एरिया बहुत डाउन है, इस करके वहाँ पानी भर जाता है, लेकिन हमने वहाँ एक लाइन डाल दी है अलग से उसका पानी निकालने के लिए, अब वहाँ भी कोई पानी नहीं है। सर बताया जा रहा है कि चेतंग नाला जो है उसकी सफाई का टेंडर जो है इस बार पहली बार आया, तो उस बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? वो मैम सफाई तो होती रहती है देखो, और अब भी लगी रहे हैं उस पर जी, जो पीछे सोशल मीडिया पे खबर चलाई गई थी जी। तो हमारी टीम उससे आगे लगी थी, जैसे हमें पता चला
तो हम फिर पीछे भी गए, वहाँ भी लगे रहे, आज हमने और कल पूरा नाला क्लियर कर दिया पीछे से। तो अभी हमने ठेकेदार राजेश जी से भी बातचीत की है, उन्होंने बताया है कि जब भी कुरुक्षेत्र के अंदर कभी सभी सेक्टरों के अंदर जो भी जल भराव की समस्या आती है तो वो उस समस्या को दूर करने के लिए अपने वर्कर्स के साथ तमाम सुविधाओं के साथ और सब टाइम के साथ जो है पहुँच जाते हैं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। और आपको बता दें कि इस वक्त जैसा कि आप सभी को पता है कि मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम आने वाला है, मानसून आने वाला है, तो मानसून के चलते जो हमारी जनता के लिए जो जल भराव की समस्या है, सरकार भी इस चीज़ के लिए जो है आगे एक कदम बढ़ा रही है क्योंकि कहीं भी जल भराव की समस्या ना हो। और सरकार द्वारा जो नगर परिषद द्वारा ये वर्कर्स जो है वो लगाए गए हैं, एक अच्छी खासी टीम के साथ जो है काम करने के लिए यहाँ तत्पर हैं। तो आप लोग भी ऐसे बने रहे तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।